डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द फर्स्ट पोयम माई मदर एट 66। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास केरला से हैं और इनका पेन नेम माधवी कुट्टी है और इन्होंने अपने इसी नाम से, माधवी कुट्टी के नाम से, इंग्लिश और मलयालम में बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं और ये इंग्लिश और मलयालम की एक वेल नोन राइटर एंड पोइट्रेस हैं। ये जो प्रेजेंट पोएम है माय मदर एट 66, इसमें कमला दास अपनी माता जी की बढ़ती उम्र को देखकर जिस प्रकार दुखी होती हैं उसका वर्णन किया है, क्योंकि इनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है माई मदर एट 66। इनकी माता की उम्र 66 ईयर्स है, तो इसी बढ़ती उम्र को देखकर वो बहुत दुखी हैं। दुख इस बात का है कि इनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं और कभी भी उनका इनसे साथ छूट सकता है, ये उनसे बिछड़ सकती हैं, ये उनके खोने का डर है। तो यही चीज़ यहाँ पर व्यक्त करी हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दुखी हैं कि कमला दास डर रही हैं कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें। इस कविता की जो खासियत है वह है इसका फ्री वर्स में होना। फ्री वर्स होता है ऐसी कविता जिसमें किसी राइम स्कीम को फॉलो ना किया जाए, तो यह कविता भी फ्री वर्स का ही एग्जाम्पल है जिसमें किसी भी राइमिंग स्कीम का पालन नहीं किया गया है, किसी राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है। पूरी कविता सिर्फ एक वाक्य में ही है, द होल पोयम इज इन वन सेंटेंस पंक्चुएटेड बाई कॉमा। तो पूरी कविता ही सिर्फ एक सेंटेंस में कमला दास जी ने कह दिया है और इसमें सिर्फ कॉमा से ही इसकी लाइनों को अलग किया है, बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है, मतलब पूरी कविता एक सेंटेंस में है, एक वाक्य में है। तो चलिए अब पोयम को देखते हैं कि कमला दास इस कविता में ओनली वन सेंटेंस में अपनी एजिंग मदर को लेकर के, अपनी एजिंग मदर के बारे में, ऐसी माँ के बारे में बता रही हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कविता में वो क्या कहती हैं, लेट स्टार्ट द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो कवित्री कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, अभी अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन को जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को ये अपने पेरेंट के घर से कोचिन को जा रही थी। एक्चुअली इनको कहीं जाना था तो कोचिन तक तो ये कार से जा रही थी और कोचिन से इनको एरोप्लेन पकड़ के एयरपोर्ट पे वहाँ इनको जाना था, वहाँ से हवाई जहाज़ से इनको कहीं और जाना था। तो ये कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जब जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, आई सा माई मदर बिसाइड मी, तब मैंने अपनी माँ को देखा। आई सा माई मदर, तब मैं अपनी माँ को देखा। ऐसा नहीं कि वो अपनी माँ को इसके पहले देखी नहीं थी, यहाँ इनके देखने का मतलब है कि उन्होंने अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखा, एग्जामिन किया, कुछ खास चीज नोटिस किया, इसलिए कह रही हूँ कि आई सा माई मदर बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में थी। तो कह रहे हैं कोचिंग जाते समय इनकी माँ भी इनके साथ बैठी हुई थी, तो कह रहे हैं कि लास्ट फ्राइडे को घर से कोचिंग जाते समय मैंने अपनी माँ को ध्यान से देखा, जो कि इनकी बगल में बैठी हुई थी। ध्यान से जब इन्होंने देखा तो नोटिस क्या कर रही हैं, और इनकी माँ कर क्या रही थी, डोज। डोज का मतलब शॉर्ट स्लिप, हल्की सी उनको नींद आ रही थी, ओपन माउथ, जब वो सो रही थी हल्की सी नींद आ रही थी तो ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, ओपन माउथ थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और कह रही हैं कि उनका जो फेस था, जो चेहरा था, वो एसन, एसन का मतलब कलरलेस, कलर लाइक एस, एस का मतलब राख होता है, तो कह रही हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल बेरंग हो चुका था, राख की तरह हो चुका था, एसन लाइक था, दैट ऑफ अ कॉप्स, जिस तरह की एक डेड बॉडी का चेहरा होता है, दैट ऑफ ए कॉर्प मीन्स डेड बॉडी। तो यहाँ पर कमला दास कह रही हैं कि जब वो अपनी माँ को ध्यान से देखती हैं, वह उस समय हल्की नींद में
थी, सो रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा बिल्कुल कलरलेस था और एसन लाइक था, बिल्कुल जैसे राख होती है जिसका कोई रंग नहीं होता है, उसी तरह से बेरंग इनका चेहरा था। और यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है, अपनी माँ के चेहरे को कंपेयर किया है एक कॉप से। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी होता है, तो इन्होंने अपने माँ के चेहरे को एक डेड बॉडी के चेहरे से कंपेयर किया है। जिस तरह से एक डेड बॉडी का चेहरा होता है बिल्कुल बेरंग का हो जाता है, एसन लाइक हो जाता है, उसी तरह से इन्होंने अपनी माँ के चेहरे को कंपेयर कर रही हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और इन्होंने रियलाइज क्या किया, क्या महसूस किया विथ पेन, दर्द के साथ, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट। और ये रियलाइज कर रही हैं, रियलाइज क्या कर रही हैं, और दुख के साथ रियलाइज कर रही हैं, विथ पेन, रियलाइज विथ पेन दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, करें कि वह उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितना कि वो देखने में लगती हैं। सॉरी, अब ये कहना चाह रही, सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी थी जितना कि देखने में लगती हैं। देखने में अगर वो 66 की लग रही थी तो वास्तव में वो 66 उनकी उम्र थी। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा, कई बार होता है कि कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा होती है लेकिन वो कम उम्र के दिखते हैं। कई बार 50 साल का आदमी 35 ईयर्स का दिखता है, और कई बार ऐसा भी होता है 35 ईयर्स का आदमी 50-60 ईयर्स का दिखता है। तो इनके कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि उनकी माँ जितनी उम्र की दिख रही थी रियल में भी उनकी उम्र उतनी ही थी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया उन्होंने। एक तो पहला पोएटिक डिवाइस यूज़ किया सिमली का, हर फेस एस एन लाइक एज अ कॉप। तो सिमली होता क्या है, सिमली जब किसी वस्तु को किसी और से एक कॉमन क्वालिटी को लेकर के, एक कॉमन टर्म को लेकर के कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर सिमली होता है। तो यहाँ पर सिमली का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है उन्होंने, अपनी माँ के फेस को एक डेड बॉडी के फेस से कंपेयर किया है और यहाँ लाइक का इन्होंने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे पोएटिक डिवाइस, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली का यूज़ किया है। और यहाँ पर लास्ट में एज ओल्ड एज, यहाँ पर भी इन्होंने सिमली का ही प्रयोग किया है। तो यहाँ लास्ट में कह रही हैं कि वो उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितना कि वास्तव में थी, बट सोन, लेकिन जल्द ही, तुरंत ये क्या रियलाइज कर रही हैं, बट सोन पुट दैट थाट अवे, करें लेकिन तुरंत इन्होंने अपने इस विचार को तुरंत अपने मन से निकाल दिया। ये जो विचार इनके अंदर आ रहा था कि उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल एसन लाइक है, डेड बॉडी की तरह इनका चेहरा हो गया है, इसका मतलब उनके मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं उनकी माँ भी बहुत जल्द ही कहीं डेड बॉडी में ना चेंज हो जाए, कॉप्स में ना चेंज हो जाए, तो ये उनको डर था और इसी का पेन था उनको। फिर कह रही है लेखिका, बट सोन पुट दैट थाट अवे, इन्होंने तुरंत ही अपने इस विचार को उन्होंने तुरंत अपने मन से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट, और तुरंत वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। बाहर देख क्या रही हैं, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो देख रही हैं गाड़ी से बाहर देख रही हैं कि जो यंग ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे पेड़ हैं वहाँ पे, हरे भरे पेड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही हैं। और ऐसा आप सब लोग अनुभव किए होंगे कि अगर आप तेज चलती हुई गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी के अंदर की तो सारी चीज़ें स्थिर रहेंगी आपके कंपैरिजन में, लेकिन जब आप बाहर देखेंगे, सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको देखेंगे या घरों को देखेंगे, तो ऐसे लगेगा कि हम तो स्थिर हैं, बाकी पेड़ ही बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। छोटा बच्चा जब गाड़ी में बैठता है तो भी अचानक जब देखता है तो गाड़ी में जो भी बैठे रहते हैं उनसे कहता है कि मम्मी पापा जो भी रहेंगे कहेगा, देखिए पेड़ कितना तेज़ी से पीछे भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में पेड़ नहीं भाग रहे होते हैं, तो गाड़ी आगे चल रही होती है। तो यहाँ पर कमला दास भी यही कह रही हैं कि उन्होंने अपने उस बुरे विचार को तुरंत ही अपने मन से निकाला और उन्होंने बाहर देखा। बाहर देख क्या रही हैं, लुक्ड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो छोटे छोटे हरे भरे बाहर के पेड़ हैं वो तेजी से दौड़ते हुए पीछे जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रेन हैं, जो छोटे छोटे खुश बच्चे हैं, खुश होकर के वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम, स्पेलिंग मीन्स कम आउट इन अ लार्ज नंबर,
एक बड़ी संख्या में बाहर निकलना। तो देख रही हैं हम दो चीज़ें उन्होंने नोटिस किया, यहाँ फोटो में आप दोनों चीज़ों को यहाँ देख सकती हैं कि एक तो उन्होंने नोटिस किया कि जो हरे भरे पेड़ हैं वो तेज़ी से पीछे जा रहे हैं, और दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जो खुश बच्चों का समूह है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल खुश होकर के अपने घरों से बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, यहाँ कवित्री कह रही है कि लेकिन जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो गया, एक्चुअली जब भी हवाई जहाज से यात्रा लोग करते हैं तो एयरपोर्ट पे एक से दो घंटा पहले पहुँचना होता है और वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, उनके बैग उनके शरीर को पूरा चेक किया जाता है कि कहीं अनवांटेड चीज़ तो कोई एरोप्लेन में लेकर नहीं जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर लेखिका सॉरी कवित्री कह रही है कमला दास, आफ्टर बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे सुरक्षा जांच के बाद सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ यार्ड की दूरी पर खड़े होकर, यार्ड इट इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ, तो कह रही हैं कि कुछ दूरी पर मैं खड़ी होकर के आई लुक्ड अगेन एट हर, कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार फिर वो अपनी माँ को देखती हैं, अपनी माँ की चेहरे की तरफ ध्यान से देखती हैं। वैन, अब उनका चेहरा कैसा था, वैन वैन मीन्स कलरलेस, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई रंग नहीं था। पाइल, और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। आइज अ लेट विंटर मून, यहाँ भी वो कंपेयर कर रहे हैं सिमली का प्रयोग करके, कह रहे हैं कि जिस तरह से लेट विंटर मून होता है, जो शीत ऋतु की देर वाली जो मून होती है, अंतिम में मून जो होती है उसका जो ब्राइट मून होती है वो तो बिल्कुल व्हाइट दिखती है, आप लोग भी नोटिस किए होंगे चांद के बारे में, लेकिन जब लेट होता है, जब डूबने के समय, जो उसका डूबने का समय होता है, उस समय उसकी जो चांदनी है वो सफ़ेद सिल्वर कलर की ना होकर के वो येलोइश हो जाती है, पीली पड़ जाती है। तो वही यहाँ पर कंपेयर करी हैं कि उनकी माँ का चेहरा भी ठीक उसी तरह से था जिस तरह से विंटर की जो लेट मून होती है उसकी जो चांदनी होती है वो धवल सफ़ेद होने की बजाय वो पीली हो जाती है, उसी से यहाँ पे कंपेयर करी हैं अपनी माँ के चेहरे को। और एक कब कंपेयर करी हैं, जब इनका एयरपोर्ट पे जाने का समय हो जाता है, सिक्योरिटी चेक करवा लेती हैं, सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद कुछ दूर पर खड़े होकर के एक बार फिर अपनी माँ को ध्यान से देखती हैं, और क्या देख रही हैं, देख रही हैं कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल कलरलेस है, वाइन कलरलेस, पैल बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, और ये ठीक उसी तरह से पीला पड़ा हुआ है, कलरलेस है, जिससे लेट विंटर की मून की चमक गायब हो जाती है, वो सफ़ेद की बजाय वो भी पीली पड़ जाती है। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, और कह रहे हैं मैं फिर वही चिर परिचित पुराना जो एक है, जो पेन है, जो कष्ट है, उसको उन्होंने महसूस किया, वो पेन ये महसूस करें यहाँ पे, तो कह रही हैं कि जो हमारा फेमिलियर चिर परिचित जो कष्ट है, जो दर्द है, उसको महसूस करती हैं। माई चाइल्ड हुड्स फियर, इनके जो बचपन का डर है उसको भी उस समय अनुभव करती हैं। बचपन में भी डरा करती थी कि अगर वो अपनी माँ से अलग हो जाएंगी तो कितना ये दुखी होंगी, अलग हो जाएंगी तो क्या होगा, और उसी दुख को जो बचपन में फील करती थी कि माँ से अलग होने का जो डर था इनका, वही डर आज भी इनके मन में एक बार फिर से आ रहा है। तो वही करें चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इन्होंने जो कुछ उस समय कहा, मन में तो कुछ और था, बात कुछ और चल रही थी, लेकिन दिखाने के लिए कि सामने वाला भी इनके दुख से दुखी ना हो जाए, मतलब इनकी माँ भी इनको दुखी देख करके वो भी ना दुखी हो जाए, तो ये अपना रियलिटी नहीं शो कर रही हैं, अपनी वास्तविकता को शो नहीं कर रही हैं, और कर क्या रही हैं, करें बट ऑल आई सेड, लेकिन मैं जो कुछ भी कहा, सी यू सून अम्मा, मीन्स सी यू सून मदर, कह रहे हैं कि माँ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, सी यू सून, जल्दी हम लोगों की मुलाकात होगी, हम लोग फिर दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वाज, और जो कुछ मैंने उस समय किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया उस सब क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल,
उन्होंने सिर्फ स्माइल किया, अपनी माँ को देख करके मुस्कुराया। और ये जो थ्री टाइम्स स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल लिखा हुआ है, यह अपने बात पर एक दबाव देने के लिए, एक स्ट्रेस बनाने के लिए ये रिपीटेशन किया गया है कि जिससे उनको माँ को बिल्कुल भी ना लगे कि उनकी बेटी उनको देखकर किसी भी बात को लेकर के दुखी है, या उनके बुढ़ापे को देखकर दुखी हो रही है, या उनका जो चेहरा इस तरह से कलरलेस हो गया है उसको लेकर दुखी है, तो ऐसा उनको आभास ना हो, ऐसा उनको बिल्कुल भी ना पता चले। तो इसीलिए जो माधवी कुट्टी हैं, कमला दास हैं, वो कह रहे हैं कि ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो मैंने कुछ किया वो सिर्फ क्या किया, अपनी माँ को देखकर स्माइल की। दस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोयम, होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ देयर इज एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन क्लियर इट एट योर शेड्यूल्ड टाइम। थैंक्स, हैव ए वेरी नाइस डे।